लगातार 20 सालों से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हुए जनता की सेवा करने वाले राजू पांजेकर जी एक जुझारू नेता है। इस बार के चुनावी सत्र 2024 में टिकट देने की बारी आई। स्थानीय लोगों की उम्मीद थी कि उद्धव बाला साहब गुर से राजू पांजेकर को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अब तक का उनका कार्य बेमिसाल रहा है। लेकिन जब राजू पांजेकर को दरकिनार करते हुए टिकट किसी और को दे दिया गया तो जनता में असंतोष की लहर फैल गई। उनके कार्यालय पर बहुत भारी तादाद में पुरुष महिलाएं सभी एकत्रित हुए और एक स्वर में सबने आवाज लगाई कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। वंदे भारत की टीम ने राजू पांजेकर जी से विशेष बातचीत की। जनता ने इस गलत फैसले का विरोध किस कदर हो रहा है, आइए देखते हैं मुंबई ब्यूरो चीफ शशिकांत पांडे जी की विशेष रिपोर्ट। राजू जी से हम आज इस वक्त बात करने आए हैं, राजू पांजेकर साहब से, जिन्होंने एक लंबा सफर तय किया है सेना में। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे, आप हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो पता किया है, जुझारू तरीके से आप जुड़े रहे, लगातार काम किया आपने, और आपको उम्मीद थी कि इस बार कम से कम आपको सेवा करने के लिए एक पावर दी जाए, और वो अवसर अगर नहीं मिला है तो कैसी पीड़ा है जो आप अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बताना चाहेंगे? 92 में मैं शाखा प्रमुख यहाँ पे बना, जबकि यहाँ पे शिवसेना का शाखा प्रमुख बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारे इस वर्ष विधानसभा के जोगेश्वरी इलाके बाला साहब जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, और उसके बाद में लोगों के सपोर्ट से लोगों को जोड़ना, जब सबको साथ में लेकर के छोटे छोटे काम करते हुए हमारे उस वक्त के विधायक जो थे शांताराम आमरे जी, उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे पूरा संगठन खड़ा किया जी। और संगठन खड़ा करने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता 97 का दौर आया, तो 97 में भी सबसे पहले वार करने का जो साल था वो 1997 ओपन वार थी। लेकिन ओपन वार में भी मुझे टिकट दी नहीं गई, टिकट नकारी गई। मैंने सोचा पार्टी का फैसला है, चलो ठीक है, अपन निष्ठे से काम कर रहे, आज नहीं तो कल अपन चले जाएंगे आगे। उसके बाद में 2002 में भी मैंने मंगा कॉर्पोरेशन का टिकट, पार्टी ने नकार दिया, चलो कोई बात नहीं। 17 साल कंटिन्यू पार्टी का काम करते, लोगों की सेवा करते करते हुए फिर 17 साल के बाद मुझे ऐसा मौका मिला। उस वक्त में पार्टी में फूट पड़ गई थी, नाना नानी चले गए थे, आपके राज ठाकरे जी चले गए थे, सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, पार्टी के बीच में दरार पड़ी थी। और ऐसे वक्त में मुझे जब मौका मिला तो वो लोगों ने मेरे 17 साल का जो काम था उस काम को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए, एकदम कठिन परिस्थिति जो थी, अगर मैं नहीं लड़ता तो सीट नहीं आती, लेकिन ईश्वर की कृपा और बाला साहब के आशीर्वाद से मैं वो सीट जीत पाया, पहली बार नगर सेवक बना। उसके बाद में फिर लगातार अलग अलग वार्ड से मुझे मैं लड़ा, एक वार्ड पहले 57 था, उसके बाद में दोबारा मुझे फिर पार्टी ने 54 था नगर सेवक बना मैं, तभी भी मुझे हमारे लोगों ने गिराने की कोशिश की। उसके बाद में 2009 में विधायक की सीट, विधायक का चुनाव आया, मैंने फिर विधायक के लिए मांग की। 2009 में भी वही हाल था कि पार्टी ने मुझे नकार दिया। 2014 में आए तो 14 में तकरीबन ए बी फॉर्म तैयार था, लेकिन कुछ वजह से फिर पार्टी ने मुझे नकार दिया। 2019 में भी मैं बोला कि अपक्ष लड़ूँ, तो उस वक्त भी पार्टी ने कहा कि अपक्ष लड़ेंगे तो सबको पार्टी से निकाला जाएगा। मैंने बोला कि भाई पार्टी से निकालना है तो मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन हमारे एक सहकारी वहाँ पे अपक्ष लड़े, पार्टी ने उनको कभी निकाला नहीं। अभी 2024 में भी यही हाल है, अभी मेरिट में पार्टी ने मुझे देना चाहिए था। मैंने पार्टी को कहा, आदरणीय उद्धव साहब से कहा कि साहब भाई ये सीट आपको चुन के ला के देता, आपको सीट चाहिए व्यक्ति चाहिए, आपको सीट चुन के लाने की जिम्मेदारी मेरी, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी सीट नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने साहब को पत्र लिखा कि मेरी जिंदगी में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने हमारे वरिष्ठों को कहा अगर ये सीट मैंने आपको ला के नहीं दी तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। ये सीट जो है जी, ये वर्षा विधानसभा से राजू पांजेकर जीत चुका है, बात आप ध्यान में रखो, और मैं उद्धव साहब को मिल करके बोलूंगा कि उद्धव साहब ने देखो सीट जीत के ला। समझ है, क्योंकि मेरे आदमी जब उनको मेजर हट
करके जाया था। मैं एक सट्टी ऊपर शाखा पढ़ू ओके, मैं इनको रोते रोते फोन किया, साहब मेरा आदमी कैसा है? साहब बोले ताई रो मत, तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोले साहब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, नहीं तुम कोकिला बहन में लेके जाओ। बाद में कुछ क्या हो रो मैं देखता हूँ, तो ये आदमी को हम कैसा बोलेंगे? मैं एक सट्टी शाखा पढ़ू थी ऊपर ऊपर शाखा पढ़ू, फिर ये मेरे काम पे आए तो हम इसको कैसा बोलेंगे? हमारा पूरा परिवार जान देने के लिए तैयार है उनके लिए, और बहुत मेहनत करेंगे और हम साहब की सीट जीत के दिखाएंगे। आगे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे खुद लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा था जी, तो पेंडेकर साहब ने ही मेरे लड़के का एडमिशन करके दिया, और हमारे यहाँ पे 2-3 महीने से पानी नहीं मिल रहा था, तो उनके एक फोन पे बीएमसी वाले आके मेरे घर का काम करके गए। राजू मैंने जब शुरुआत की ना उसे फोन से मैं भी हूँ, क्योंकि साथ में जुड़ा हूँ मैं। कोकनी कोकनी मैडम जो है हमारी महिला शाखा प्रमुख है, मैं यहाँ पे शाखा प्रमुख है, लेकिन मैं हम लोग कार्यकर्ता बोल के काम किए, लेकिन राजू पेड़े का नकुल से लेकर बाल तक मैं जानता हूँ उनको। उन्होंने गरीब से गरीब लोग उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजा, किसका स्कूल का है, दवा खाने का है, पुलिस स्टेशन का मैटर है, कहीं भी अगर पैसा नहीं है ये लेके जा, यहाँ तक का मदद किया है। पिछले तो आज महिला जो जुड़ी है उनकी स्वभाव से जुड़ी हुई, हमें अपने से ज्यादा इनके ऊपर विश्वास है। हमें पता है उनको हम किसी भी हालत में जीत के लाएंगे, क्योंकि मुझे आज भी याद है जिस टाइम पे मेरे पापा की हालत बहुत खराब थी, कैंसर से पीड़ित थे मेरे पापा, उस टाइम पे किसी ने नहीं, ताई ने भी उनकी सपोर्ट नहीं की थी मेरे पापा की। मैं उनके पास भी गई थी, मुझे जब बैंक से निकाला गया था तभी भी मैं अपनी फाइल लेके वहां पे पहुंची थी, तभी भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। इन बंदे ने मेरे पापा को, मेरी बैंक को, हर एक चीज में, मेरे जॉब को लेके, मेरे घर को लेके, सब किसी में मुझे सपोर्ट दिया है। मेरे पापा को जब हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया था कि बेड नहीं है, इन्होंने किटी केयर हॉस्पिटल में बेड का बंदोबस्त कराया फ्री में, तो इनको हम कैसे छोड़ देंगे, इनको कैसे हम पीछे रख देंगे? हम नहीं रख सकते हैं, और इनको हम किसी भी हालत में जीत के ला के दिखाएंगे। और उद्धव साहब ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, जो कि इनको ना चुना, ठीक है, उनको कह देना ये चीज कि अगर बंदे में दम है तो फिर पार्टी के मोहताज नहीं होते हैं, अगर जनता साथ में है तो आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। जय महाराष्ट्र।